नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेम करते हैं और उनके प्रति कोई वैमनस्य या नफरत नहीं रखते। उन्होंने कहा, वास्तव में मैं पीएम मोदी के प्रति कोई नफरत या गुस्सा नहीं रखता, वह भी ऐसा नहीं सोचते। राहुल की इस टिप्पणी के बाद इस कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इस पर राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उनकी सबसे अच्छी दोस्त है और उनसे कोई लड़ाई नहीं हो सकती। वहीं उनसे पूछे गए नेताओं की निवृत्ति के लिए सही समय क्या है, उसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि नेताओं की राजनीति से संन्यास लेने के लिए 60 साल की उम्र एकदम सही है। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार को हिंसा से प्रभावित होते देखा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की हत्याओं का जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी छोटी बहन के साथ बचपन की यादों को साझा किया।